कुछ बड़ा करना है अपनी राह खुद अलग चुनो। किसान भाइयों, भेड़ बकरियों की तरह चलने से अच्छा है शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन रास्ता हो, आपको हर हाल में आगे बढ़ो। ये दुनिया आप लोगों को डराएगी, सताएगी, घुर्राएगी, लेकिन हर रोज़ एक नया रूप तुम्हें दिखाएगी। जिस दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे, तब यही दुनिया तुम्हारा नाम जपते जपते पीछे पीछे आपके आएगी। बड़ी से बड़ी रुकावटों को समझदारी से पार करो, अपनी कमजोरी पर दोगुनी ताकत से वार करो। किसान भाइयों, छोटी पड़ जाएगी ऐसी हर चुनौती, ऐसा खुद को तैयार करो। कुछ पाना है तो ही कुछ पाओगे, खोओगे तभी कुछ पाओगे। हंसना है तो रोना होगा, अगर चमकना है सोने की तरह तो तुम्हें खुद को आग में तपना पड़ेगा। बदलना चाहते हो अपनी ज़िंदगी, सबसे पहले खुद को बदलना सीखो। तुम्हारी पुरानी आदतें तुम्हें नीचे गिराएंगी, थोड़े से मज़े के बदले में तुम अपना सब कुछ लूट ले जाएगी तुम्हारा। लेकिन तुम इस जाल में, जो कोल्ड स्टोरेज वाले जाल फैला रहे हैं, इस जाल में मत फंसना। अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने आलू पर रखना। तुम्हारा लक्ष्य है आलू को बेहतर दामों में बेचना और इस दुनिया का एक मिसाल कायम करना। बदल दो जो हालात हैं, बदल जो दो हालात हैं, यानी कि आप लोगों को किसान भाइयों ऐसी चुनौतियों पर दोगुनी रफ्तार से बार करना है। जो आप लोगों को डरा और धमका रही हैं, जो यूट्यूबर हैं, कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, व्यापारी हैं, इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इन पर दोगुनी तरीके से वार कीजिए। परिस्थितियां चाहे कोई कैसी भी हों, लेकिन आपको बदलना होगा। आप इस तरीके से नहीं कर सकते अगर आप सोनू चौधरी के साथ हैं तो। आप तो किसान भाइयों स्टार्ट करते हैं वीडियो और देख लेते हैं सबसे पहले कानपुर के मंडी रेट्स। तो आज पूरे कानपुर से लेकर मैं आपको गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के रेट बताऊंगा। और आपसे एक ही निवेदन करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी किसान भाइयों हम नई वीडियो अपलोड करेंगे, उसका यूट्यूब नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचाएगा, जिससे आप हर हाल में भावों से अपडेट रहेंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सारा कुछ बताऊंगा कि जो आप पूछते हैं ना, हमारे यहाँ रेट गिर गए, हमारे यहाँ रेट गिर गए, हमारे यहाँ रेट गिर गए, तो मैं उस पर भी आज विस्तार से चर्चा करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन इतनी भी लेंथी नहीं होगी जो आपको बोर कर दे। आप लोगों को यहाँ पर पूरी वीडियो देखनी है और फिर शेयर करनी है। तो मैं बात कर लेता हूँ, कानपुर की शुरुआत कर लेते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग कहते हैं कि मंडियाँ टूट गई हैं, तो मैं बताता हूँ। चिप्सोना 625 से 800 रुपये, न्यू हॉलैंड 550 से 725 रुपये, सिंदूरी आलू 500 से 662 रुपये, आगरा का आलू 450 से 845 रुपये, 3797 750 रुपये से लेकर 800 रुपये, और पुखराज 750 रुपये बिक रहा है कानपुर की चक मंडी में। 40 किलो की तौल है। अब ये बात देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, ये है थर्ड क्लास थर्ड ग्रेड आलू। इसके रेट जो हैं आड़ती डाल रहे हैं, इसके रेट जो है कोल्ड स्टोरेज वाले डाल रहे हैं, इसका रेट हर कोई डाल रहा है, आप लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। लेकिन हमने आपको एक बात कह दी, भेड़ बकरियों की तरह नहीं शेर की तरह चलो। कितना भी कठिन रास्ता हो, हर हाल में आगे बढ़ो। ये कोल्ड स्टोरेज वाले मुनीम व्यापारी आड़ती आपको डराएंगे, सताएंगे, घुर्राएंगे, हर रोज एक नया रूप दिखाएंगे। लेकिन जिस दिन तुम अपनी मंजिल पा जाओगे ना, तो यही आपके पीछे पीछे आएंगे, आपका नाम जपेंगे। तो किसान भाइयों घबराने की जरूरत नहीं है, थर्ड क्लास आलू है इसके जो रेट हैं। अब मैं शुरुआत कर लेता हूँ चिप्सोना से। तो चिप्सोना आलू के उत्तर प्रदेश की शुरुआत कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में 987 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट, आगरा का आलू 985 रुपये प्रति पैकेट से 1100 रुपये, कानपुर में 985 से लेकर 1100 रुपये प्रति पैकेट चिप्सोना, मैनपुरी में 982 से लेकर 1050 रुपये चिप्सोना, मथुरा में 925 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, मेरठ में 922 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, मुरादाबाद में 935 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट, फरुखाबाद में 925 रुपये से लेकर 1050 रुपये प्रति पैकेट, सहारनपुर में 925 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, और कन्नौज में 925 रुपये प्रति पैकेट। आपको अगर कुछ भी ये हासिल चाहिए, तो आप लोगों को कुछ खोना पड़ेगा। यानी कि जो इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जा रहा है, इन सबको खोते रहिए, इस पर ध्यान मत दीजिए। आपको आगे बढ़ना है, हर चुनौती का डट के सामना करना है। जो भी चुनौती आ रही है, इन पर दोगुनी ताकत से वार करना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सोनू चौधरी आपके साथ है। बात कर लेते हैं आप 3797 की। तो लखनऊ में 855 रुपये, मुजफ्फरनगर में 850 रुपये, मैनपुरी में 800 रुपये, जालंधर अलीगढ़ में 845 से 900 रुपये, जशवंत नगर में 845 से 950 रुपये, झांसी में 845 रुपये से लेकर 900 रुपये, सहारनपुर में 900 रुपये प्रति पैकेट, सिरसागंज में 840 रुपये से लेकर 890 रुपये प्रति पैकेट, कन्नौज में 842 रुपये से लेकर 925 रुपये प्रति पैकेट, कानपुर में 840 रुपये से लेकर आपके 925 रुपये प्रति पैकेट, आपके मथुरा की बात करें तो 840 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट, मेरठ की बात करते हैं
करें तो 837 रुपये से लेकर 925 रुपये प्रति पैकेट यहाँ बिका है। इटावा की बात कर लेते हैं तो 835 रुपये से लेकर 935 रुपये के यहाँ अच्छी क्वालिटी का सुपर क्वालिटी का आलू का यहाँ लगे हैं। अब बात कर लेते हैं फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद में 840 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट। टूंडला की बात करें तो यहाँ 1 से 2 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है, यानी 835 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट। एटा की बात कर लेते हैं तो 832 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट। शेखोहाबाद की बात करें, शेखोहाबाद में भी यही कमोबेश यही स्थिति है, यहाँ पे भी 1-2 रुपये का डाउन है। खैर में भी 835 रुपये प्रति पैकेट है, ये भी 2 रुपये डाउन चल रहा है। हाथरस की बात करें तो 830 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट आलू बिक रहा है, यहाँ पे भी 2 रुपये की कमी है। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं तो 845 से 900 रुपये प्रति पैकेट, यहाँ पे प्रति पैकेट 2 से 3 रुपये की कमी चल रही है। तो किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं आपके जो भी आपका आलू जो होता है, जैसा कि आप बोलते हैं हमारा कोल्ड स्टोरेज में रेट नहीं लग रहा है, हमारा आलू ये है, हमारा आलू वो है, हमारा आलू ये है। अब देख लीजिए आपका आलू कोई सा भी हो, मैं बता रहा हूँ हाइब्रिड 302 सिंदूरी पुखराज ख्याति लाल गुलाल और जो भी आपका जैसा भी आपका आलू रखा हो कोल्ड स्टोरेज में। अब मैं बात कर लेता हूँ उस आलू की जो किसान भाइयों, तो अब बात कर लेते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट की, जो आप बोलते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कम रेट पर आलू बिक रहा है, तो कम रेट पर आलू बिकने का कारण क्या है कि आप लोगों का जो आलू है वो लूज़ क्वालिटी का है, या 302 है, सिंदूरी है, पुखराज है, ख्याति है, लाल गुलाल है। तो यहाँ के रेट में देख दिखा देता हूँ आपको, अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपके रेट में क्या रख रहा है। देखिए हापुड़ में 625 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट, इटावा में 670 रुपये से लेकर 710 रुपये प्रति पैकेट, उन्नाव में 625 से 725 रुपये प्रति पैकेट, लखनऊ में 612 रुपये से लेकर 712 रुपये प्रति पैकेट। जालौन की बात कर लेते हैं तो जालौन में 610 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट के कोल्ड स्टोरेज में रेट लग रहे हैं। मवाना के कोल्ड स्टोरेज की बात करें तो 610 रुपये से लेकर 700 रुपये प्रति पैकेट के कोल्ड स्टोरेज लग रहे हैं। मुरादाबाद के कोल्ड स्टोरेज में 615 रुपये से लेकर 710 रुपये प्रति पैकेट, शेखोहाबाद में 612 रुपये से लेकर 800 रुपये तक चल रहा है। बरेली की बात करें तो 610 रुपये से लेकर आपका आलू जो है 720 रुपये तक चल रहा है। झांसी की बात कर लेते हैं तो 612 से 812 रुपये तक। बाराबंकी की बात कर लेते हैं तो बाराबंकी के काफ़ी जो है परेशान रहते हैं, तो बाराबंकी का बात कर लेते हैं तो 600 रुपये से लेकर 710 रुपये तक का यहाँ सौदे हो रहे हैं। पीलीभीत की बात करें तो 612 रुपये से लेकर 738 रुपये तक। अमरोहा की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक। वाराणसी की बात करें तो 650 रुपये से लेकर 700 रुपये। अलीगढ़ की बात करें तो 600 रुपये यानी खैर इगलास 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के ही सौदे हो रहे हैं। जसवंत नगर की बात करें तो 605 रुपये से लेकर 725 रुपये तक। बिजनौर की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये के भी सौदे कोल्ड स्टोरेज में हो रहे हैं। फरुखाबाद की बात करें तो 610 रुपये से लेकर 725 रुपये तक हो रहे हैं। हरदोई की बात करें तो 610 रुपये से लेकर आपके जो रेट है वो 750 रुपये तक चल रहे हैं। बहराइच की बात करते हैं तो 612 रुपये से लेकर 740 रुपये तक लग रहे हैं। बुलंदशहर की बात करते हैं तो बुलंदशहर में जो रेट लग रहे हैं वो 610 रुपये से लेकर 650 रुपये तक हैं। खुर्जा की बात करें तो 650 से लेकर 700 रुपये। मथुरा की बात करें तो 600 रुपये से लेकर 700 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं। आपके गाजियाबाद की बात करें तो 612 रुपये से लेकर 812 रुपये तक लग रहा है। चंदौसी 600 रुपये से लेकर 750 रुपये तक। बदायूं में जो कोल्ड स्टोरेज में रेट लग रहे हैं वो 600 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति पैकेट तक लग रहे हैं। तो ये आप लोग जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ लग रहे हैं, हमारे यहाँ लग रहे हैं, ये आपका आलू है, गलत नहीं है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही है। इसमें 19-20 रुपए का अंतर हो जाता है, अंतर हो जाता है, तो आप खुद जान सकते हैं कि क्या स्ट्रेटजी होती है, क्या आप लोगों के कितना बनाया जाता है। तो ये काफ़ी वो होता है, लेकिन आप लोगों को यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी कैटेगरी के आलू में आ रहे हैं, जो 650-700 रुपये चल रहा है, आप इसी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं और इसी से आप लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। मैंने कानपुर के भी रेट बता दिए, कानपुर में कैसी स्थिति है, कानपुर में जो थर्ड क्लास का आलू है उसके रेट हैं ये। ऐसा ही आपके जो कोल्ड स्टोरेज में रेट चल रहे हैं 600-650, मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी बता दिया इसी वजह से। लेकिन आप लोगों को ऐसी चुनौती के लिए खुद को तैयार करना है। अगर कुछ आपको पाना है तो कुछ खोना है, यानी कि इस समय इसे खो दीजिए, लेकिन आप आने वाले समय में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स ले जाए हुए। अगर आपको चमकना है, सोने की तरह चमकना है, तो ऐसी जो स्थिति बन रही है, इसलिए इसमें खुद को तपना है, यानी तपाना है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई देसी आलू की। आपने बहुत देखा होगा देसी आलू, अब देसी आलू की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के ही देसी आलू की बात करते हैं। तो कानपुर में 900 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट, मुजफ्फरनगर में 925 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट, शामली में 930 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट, खलीलाबाद में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये प्रति पैकेट, हाथरस में देसी आलू 850 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट, सियाना जनपद
जनपद बुलंदशहर 725 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट, नोएडा में 950 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट, खुर्जा में 900 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति पैकेट, हापुड़ की बात कर लेते हैं तो 900 रुपये से लेकर 950 रुपये के दाम लग रहे हैं, देवरिया में 835 रुपये से लेकर 900 रुपये तक, फैजाबाद की बात करें तो 825 रुपये से लेकर 925 रुपये दाम चल रहे हैं, बलिया की बात कर लेते हैं तो 870 रुपये से लेकर 960 रुपये तक के यहाँ पर देसी आलू के दाम चल रहे हैं। आपके बादशाह आलू जौनपुर 800 रुपये प्रति पैकेट से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट आलू चल रहा है। बात कर लेते हैं बाराबंकी की, तो बाराबंकी में जो आलू है देशी आलू वो उसके रेट चल रहे हैं 760 रुपये से लेकर 830 रुपये तक। छर्रा जनपद अलीगढ़ की बात कर लेते हैं तो 750 से 850 रुपये के बीच में यहाँ पर आलू जो है अच्छा खासा सेल हो रहा है। सिरसागंज की बात कर लेते हैं 700 से 750 देसी आलू बिक रहा है। अब किसान भाइयों ये देसी आलू के रेट थे, अब ये जो रेट है कहीं ये हम बता रहे हैं 37-97 देशी आलू चिप्स होना, इसके रेट की माहौल से देखने आता है कि रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो आप लोग बताते हैं वो है हाइब्रिड 302 सिंदूरी प्रयागराज आपका पुखराज G4 लाल गुलाल ख्याति और भी जो भी आलू आपकी नस्ल है उसके अनुसार ये रेट हैं। अब ये जो है थर्ड क्वालिटी का होता है, आप खूब कहेंगे हमारा फर्स्ट क्लास का है हमारा ये है, लेकिन आप लोगों को यहाँ इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। जिस तरीके से ये माहौल बना रहे हैं इसको पार पाने के लिए आप लोगों को तैयार रहना होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूँ आपके रेट 3-4 दिन बाद बढ़ने वाले हैं, इन रेटों में 19-20 का अंतर हो सकता है। तो अब बात कर लेते हैं पंजाब की, तो पंजाब के किसान भाई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो पंजाब की बात कर लेते हैं तो बठिंडा में 900 रुपये प्रति पैकेट, खेड़ा व गजरी में 750 रुपये प्रति पैकेट 750, गौरैया में 700 रुपये प्रति पैकेट, नवा शहर में 730 से 800 रुपये, जलालाबाद में 600 रुपये से लेकर 700 रुपये, ब्यूटर में बनूर में 750 रुपये से लेकर 800 रुपये, जीरा में 700 रुपये से लेकर 750, लहरगांगा में 600 रुपये से लेकर 650 रुपये प्रति पैकेट, अब आपका तलवाड़ा में तलवाड़ा शहर जो है 750 रुपये, दरी में 750 रुपये, रैया में 600 रुपये प्रति पैकेट, गुरदासपुर में 700 रुपये प्रति पैकेट, दीनानगर में 750 रुपये प्रति पैकेट, अमृतसर में 800 रुपये प्रति पैकेट, फिरोजपुर सिटी में आपका 750 रुपये प्रति पैकेट। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में हालत इतने बिकराल हो चुके थे, किसानों का आलू वहाँ पर सेल कर दिया गया था, 650 रुपये के दाम चल रहे थे, लेकिन सरकार बैकफुट पे आई, आधे से ज़्यादा जो नॉर्थ परगना में 24 नॉर्थ परगना में जो कोल्ड स्टोरेज उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए, कई कोल्ड स्टोरेज मालिकों को हिरासत में ले लिया गया, कई व्यापारियों को जेल भेज दिया गया, लेकिन अभी तक फिलहाल किसानों को उनके आलू की भरपाई का नहीं हो पाई है, सरकार ने कहा है कि हम अपनी तरफ से देंगे। वहीं बीजेपी जो है इसमें हमलावर है कि सरकार कैसे बेच दिया, ममता बनर्जी ने कह रहे थे ये हो गया वो हो गया, यानी कि कुल मिला के वहाँ राजनीतिक प्रदेश बन चुका है और इसमें बीजेपी कूद चुकी है। लेकिन मैं यहाँ आप किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अगर बीजेपी वहाँ कूद रही है तो उत्तर प्रदेश में रेट इतने जो डाउन है 600-650 रुपये यहाँ क्यों नहीं कह रही, यहाँ तो खुद की सरकार है, यानी कि कुल मिलाकर जो पॉलिटिक्स की जा रही है वो सिर्फ दूसरे राज्यों में की जा रही है, अपने राज्यों में क्यों नहीं की जा रही है, चलिए इस पर हम बाद में बात करेंगे। चंपडांगा में 625 रुपये प्रति पैकेट, आपका मतबंगा में 625 रुपये प्रति पैकेट, कालीपुर में 625 रुपये प्रति पैकेट, बांकुंडा सदर में 600 रुपये प्रति पैकेट, बड़ा बाजार में 735 रुपये प्रति पैकेट, बलूरघाट में 795 रुपये प्रति पैकेट, बारासात में 650 रुपये प्रति पैकेट आलू बिका है। अब बात कर लेते हैं रामकृष्णपुर हावड़ा की, 660 रुपये प्रति पैकेट, करीमपोंग की 670 रुपये प्रति पैकेट, आपके कंडी में 610 रुपये प्रति पैकेट, धूपगिरी में 700 रुपये प्रति पैकेट, बीरभूमि में 650 रुपये प्रति पैकेट बिका है आज आलू। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों आप गुजरात की, तो गुजरात के भी काफ़ी किसान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो गुजरात की बात कर लेते हैं तो गोंडल में 16 रुपये प्रति किलो, दीसा में 70 रुपये प्रति किलो आलू बिका है, राजकोट में 18 रुपये प्रति किलो बिका है, अहमदाबाद में 19 रुपये प्रति किलो आलू जो है आज बिका है। तो किसान भाइयों यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ आपके गुजरात में भारी बरसात शुरू हो गई है, इसी वजह से अब थोड़ा रेटों में इंक्रीजेशन हो रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि इंक्रीजेशन जो है जहाँ पर दिशा में जो आलू बिक रहा है 70 रुपये किलो ये बिकेगा 25 रुपये किलो, लिख लो गारंटी के तौर पर। बात कर लेते हैं बेंगलुरु की मंडी की, आज जो बेंगलुरु की मंडी में 37-97 बिका है वो 20 रुपये से लेकर 21 रुपये किलो बिका है, आपका जो आलू है आगरा का वो बिका है 15 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक, चिप्सोना बिका है 17 से 18 रुपये किलो तक, 302 बिका है 16 रुपये किलो से लेकर 17 रुपये किलो तक, LR की बात कर लेते हैं तो 16 से 17 रुपये किलो, हैदराबाद की मंडी की बात करें तो यहाँ 302 आलू जो है 26 रुपये किलो से लेकर 27 रुपये किलो, 37-97 24 रुपये किलो से लेकर 26 रुपये किलो तक आलू बिका है। तो ये थे किसान भाइयों मेरे साथ में मंडी रेट से लेकर कोल्ड स्टोरेज के रेट, इन रेटों में 19-20 का अंतर हो सकता है, मैंने आपको पूरा खंड खंड करके बता दिया कि आपके
आपके जो रेट हैं जो आपके डिस्ट्रिक्ट में लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में वो ये रेट हैं, ये आपका क्वालिटी का आलू है, आप खुद बताना नहीं चाहते लेकिन मैंने आपको एक सामने खोल कर रख दिया। इन रेटों में भी 19-20 रुपये का अंतर, 19 या 20% उसका अंतर हो सकता है, यानी कि 1-2 रुपये का ऊपर या 1-2 रुपये का नीचे हो सकता है, आप कंपेयर कीजिएगा। लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जिस तरीके से अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो अपनी राख खुद चुनो, भेड़ बकरियों के सामने भेड़ बकरियों के की तरह मत चलो, शेर की तरह चलना सीखो। कितना भी कठिन रास्ता हो अपना रास्ता खुद तैयार करो, आगे बढ़ो। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, घुर्राएगी, हर दिन एक नया रूप दिखाएगी। तो मैं इन अपनी चुनौतियों से, चुनौतियों का डटकर सामना करना है, ऐसी तमाम चुनौतियां सामने आएंगी इन पर दोगुनी रफ्तार से वार करना है। और जब आप जब इस मुकाम को पा जाएंगे, अपने लक्ष्य को पा जाएंगे, तो आप लोग यही दुनिया जो कोल्ड स्टोरेज वाले व्यापारी मुनिम और जो कोई आप लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये लोग आपके पीछे पीछे आएंगे और आपका सब स्वागत हर जगह होगा। तो किसान भाइयों, मेरे साथ में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।